और ये मेरी आरसीबी देख सकते हो बन के आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा व्हीकल री रजिस्ट्रेशन कराने का फुल प्रोसेस पूरी डिटेल में। अगर आपके पास भी कोई पुरानी कार है और उसको 15 साल होने वाले हैं और आप उस गाड़ी को पासिंग कराना यानी कि री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मेरी जो ये कार है ये चंडीगढ़ नंबर है और अभी 15 दिन पहले ही मैंने इस गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करा लिया है और मेरे पास आरसीबी पहुंच चुकी है। मैं आपको अपनी आरसीबी दिखा दूंगा, उस पर ये 2004 मॉडल है जिसपे के आरसी पे अब 2024 तक ये पास हो चुकी है। और दूसरी बात ये है, सभी जगह का री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम ही होता है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। गाड़ी री रजिस्ट्रेशन कराने की सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जो भी गाड़ी है वो आपके नाम होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि पुरानी गाड़ी खरीद लेते हैं और किन्हीं कारणों की वजह से वो गाड़ी अपने नाम नहीं करा पाते, सिर्फ एक एफिडेविट बनवा लेते हैं और उसी पे ही चलाते रहते हैं और उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब उस गाड़ी का पासिंग कराने का टाइम करीब आ चुका होता है, यानी कि वो उस गाड़ी के ओनर नहीं होते, ओनर वही होता है जिससे उन्होंने गाड़ी खरीदी होती है पुरानी, तो वो गाड़ी उस कंडीशन में पास नहीं करा सकते, री रजिस्ट्रेशन यानी कि नहीं करा सकते। जो गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन कराएगा वो सिर्फ ओनर ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है कि गाड़ी अपने नाम होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको अपने जो भी आपके शहर में नजदीकी जो रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल एजेंसी होगी उसमें अपनी गाड़ी को लेके जाना है और उस गाड़ी का एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, रजिस्टर्ड एजेंसी का एक फॉर्म होता है, उसमें वो आपकी गाड़ी की डिटेल फिल करेंगे और उस पे आपके साइन लिए जाएंगे और फिर उस एजेंसी की मोहर लगेगी, तो वो फॉर्म फिर आपको दे दिया जाएगा। उस फॉर्म के चार्जेस हैं 700 रुपये चंडीगढ़ में, और जगह अलग भी हो सकते हैं लेकिन चंडीगढ़ में फिटनेस सर्टिफिकेट के 700 रुपये लगेंगे, ठीक है। और अगर आप चंडीगढ़ से हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक एड्रेस देता हूँ, आप वहां से जाके फिटनेस सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं बड़ी आराम से, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। एड्रेस है रतन मोटर्स, सेक्टर 23 चंडीगढ़, वहां पे जाओ और अपना 700 रुपये में 10 मिनट के अंदर अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाओ। फिटनेस सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको अब अपने डॉक्यूमेंट की कॉपियां तैयार करनी है, फोटोकॉपी तैयार करनी है। अब आपको किस किस चीज की फोटोकॉपी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है पैन कार्ड, दूसरा है आरसी, गाड़ी की आरसी जो होती है, और तीसरा है वैलिड इंश्योरेंस गाड़ी का। इन तीनों चीज की फोटोकॉपी चाहिए, इन तीनों चीज की आप फोटो स्टेट करा के रख लो। फिर उसके बाद आपको अपने गाड़ी का बोनट खोलना है, गाड़ी का बोनट खोलने के बाद वहां पे चेसिस नंबर लिखा होता है, वो आपको कच्ची पेंसिल से, जो पेंसिल होती है उस पेंसिल से एक कोरे पेपर पे ऐसे प्रिंट करना है पेंसिल से, ठीक है। जब वो आप चेसिस नंबर उसका प्रिंट कर लोगे तो वो पेपर भी उन फोटोकॉपी के साथ रख लो, ठीक है। अब उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी जो आप वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आए हो वो, उसकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए, वो ओरिजिनल ही लगेगा, उसकी फोटोकॉपी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पैन कार्ड, आरसी, वैलिड इंश्योरेंस और चेसिस नंबर प्रिंट करना है वो, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके बाद चाहिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, सिर्फ एक ही फोटो। ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद आपको जाना है जहां पर आपकी गाड़ी पहले से ही रजिस्टर्ड है, उस ऑफिस जाना है, वहां से आरसी रिन्यूअल की एक फाइल लेके आनी है। चंडीगढ़ में फाइल के जो चार्जेस है वो 50 रुपये हैं और जगह कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आरसी रिन्यूअल फाइल 50 रुपये में लेके आनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस फाइल में जो जो डिटेल आपको फिल करनी है वो उन पेज पे लिखा होता है, ठीक है, आप उनको पढ़ पढ़ के उस फाइल को पूरी को फिल करना है। और उसी फाइल के अंदर
आपका पैन कार्ड की फोटो स्टेट, आरसी की फोटो स्टेट, और उसी फाइल के अंदर आपको पेस्ट करने हैं वो, या आप स्टेपल भी कर सकते हो, जो आपने अपनी फोटोकॉपी तैयार करी थी वो सारी फोटोकॉपीज और ओरिजिनल फिटनेस सर्टिफिकेट और जो चेसिस नंबर आपने पेंसिल से प्रिंट किया था वो भी उसी फाइल में स्टेपल करना है। उसमें लिखा होता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ लगानी होती है, ठीक है। और एक जगह पे होगा कि यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, तो आप वहाँ भी फ़ोटो अपना स्टेपल कर देंगे, ठीक है। वो फाइल आप पूरी फिल करने के बाद, जब पूरी फाइल तैयार हो जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट उस पर लग जाए, आपकी डिटेल उसमें फिल हो जाए, उसके बाद आपको वो अपनी गाड़ी को और उस फाइल को लेके जाना है SDM ऑफिस। चंडीगढ़ का SDM ऑफिस है सेक्टर 43 में और हॉकी स्टेडियम के पास, ठीक है, बिल्कुल जस्ट आमने सामने ही है दोनों, ठीक है। और जगह का आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे या गूगल मैप पे भी आप सर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप अपनी गाड़ी को और उस फाइल को लेके आप SDM ऑफिस जाओगे, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को लाइन में लगाना, जितना भी वहाँ पे रस होता है उसके हिसाब से आपका नंबर आ जाएगा। मेरा तो लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर आ गया था, क्योंकि मेरी गाड़ी से 2-3 गाड़ियाँ आगे थी, उनके बाद मेरा नंबर आ गया था। जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आपका जैसे ही नंबर आएगा तो आपको जो है वो फाइल उनको देनी है, ठीक है। वहाँ पे जो वो आपकी फाइल पूरी चेक करेंगे कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, सब कुछ। अब आई फाइल तो चेक होगी, ठीक है, उसके बाद देखेंगे वो आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है। अब गाड़ी की कंडीशन वो अंदर से आपको बिल्कुल भी खोल के कुछ नहीं देखते हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी बाहर से थोड़ी सी साफ हो, मतलब साफ का मतलब अगर बोनट या बम्पर वगैरह, वैसे तो पुरानी गाड़ियों के हल्के फुल्के हिल ही जाते हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है गाड़ी का पेंट ठीक कंडीशन में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल न्यू कंडीशन में भी ना हो और पुरानी में भी ज्यादा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पेंट कहीं से फेड हो जाता है, कहीं से उखड़ जाता है, पपड़िया सी उखड़ने लगती है। पपड़िया उखड़ने वाला पेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो हुआ तो आपको फिर दोबारा से टाइम दे दिया जाएगा कि इसका पूरी गाड़ी को पेंट करा के सेम कलर एकदम करा के लाओ और दोबारा आना यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रहे, गाड़ी बाहर से एक जैसा पेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का कलर वाइट हो और आपने उसका रूफ ब्लैक टेपिंग करा रखा हो, तो टेपिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ ओरिजिनल कलर हो या कलर कराया हुआ, आप बाहर से भी करा सकते हो अगर आपकी गाड़ी का कलर पेंट ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जैसे धब्बे हो या फेड हो गया हो, घिस गया हो, पपड़ियाँ नहीं उतनी, मतलब ठीक ठाक थोड़ी सी ठीक कंडीशन होनी चाहिए बाहर से। बस वो सिर्फ गाड़ी देखते हैं बाहर से, अंदर से वो कोई कुछ चेक नहीं करते, ना इंजन चेक करते हैं, ना चेचिस चेक करते हैं, कुछ नहीं चेक करते, सिर्फ आपकी फाइल और बाहर से आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है बस। और उसके बाद आपका गाड़ी के सामने खड़ा करके एक फ़ोटो लिया जाएगा, उन्हीं के पास कैमरा होता है, कैमरे से फ़ोटो लेंगे और SDM के साइन, फिर आपको उस एंट्री करानी होगी, वहीं पे पास में बैठा होता है एंट्री वाला, वो आपकी फ़ाइल की एंट्री कर देगा। वहाँ एंट्री होने के बाद आपको अपनी गाड़ी लेके चले जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आपका एक रुपया भी आपको चार्ज नहीं किया जाएगा इस पूरे प्रोसेस में, जो फाइल साइन करने का है या गाड़ी चेक करने का है या एंट्री करने का, वहाँ पे एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, ठीक है। जब आपकी वहाँ पे फाइल पे साइन हो जाए और आपकी एंट्री हो जाए तो आप अपनी गाड़ी लेके चले जाओ वहाँ से। अगर आपके पास टाइम है तो आप सेम डे ही वहाँ पे जा सकते हैं अपनी फाइल को जमा करने, जहाँ से आप फाइल लेकर आए थे। टोटल वहाँ पे लगेंगे आपके 2300 रुपये, ठीक है। 2300 रुपये आप उनको पे करेंगे, वो आपको एक स्लिप देंगे, ठीक है। और स्लिप लेने के बाद आपकी गाड़ी KRC एक हफ्ते से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आपके परमानेंट एड्रेस पे पहुँच जाएगी। ये पूरा प्रोसेस था अपनी कार को रजिस्ट्रेशन कराने का, ठीक है। और जो चंडीगढ़ से हैं वो जाएंगे सेक्टर 17, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है, या अपना कॉल करके भी ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसमें आप अपने हिसाब से टाइम उनको बता दो कि मैं कल इतने बजे वहाँ पे आ सकता हूँ, यानी कि 9 से 9:15
9:30 to 9:30, 9:30 to 10:30, 15 मिनट की जो है अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है। चंडीगढ़ वालों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी फाइल जमा करने के लिए, और जगह पे अपॉइंटमेंट का शायद कोई ऐसा चक्कर ना हो, आप डायरेक्ट जाके लाइन में लग के भी फाइल जमा कर सकते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो आपने टाइम अपने हिसाब से चूज़ करा है 9:30 to 9:30, आप उसी टाइम पे वहाँ पहुँच जाए अपनी फाइल लेके, और जो फीस लगेगी आपकी 2300 रुपये वो लेके, ठीक है। आप वहाँ पे जाके अपनी फाइल जमा करके और वो स्लिप लेके अपने घर आ जाएं, और 1 हफ्ते से 15 दिन का वेट कीजिए, आपकी आरसी आपके हाथ में आ जाएगी 5 साल बढ़ के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कुछ समझ नहीं आया या कोई डॉक्यूमेंट्स आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं अपनी इस गाड़ी को, जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं, ये मेरी सेंट्रो है, मैं इसका री रजिस्ट्रेशन करा चुका हूं, और मैं आपको अब अपनी इसकी आरसी दिखाऊंगा, और जो फाइल जमा कराने के बाद स्लिप मिलती है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, अगली वीडियो आने तक के लिए गुड बाय दोस्तों।